नमस्कार 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 किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज की वीडियो में मशीन के ऊपर जानकारी देने वाला, मशीन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि मशीन के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत भाइयों के फ़ोन भी आए और मैसेज भी उन्होंने किए, व्हाट्सएप पर किए और हमारे यूट्यूब पर किए। तो उनकी डिमांड के ऊपर इस मशीन की वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, ये जो मशीन है ये आपको साल के 7 से 8 लाख रुपये कमा के देगी। क्यों कमा के देगी, कैसे कमा के देगी, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। पहले इस मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो मैं आपका भाई विजय स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इस मशीन के बारे में एक जानकारी देने वाला हूँ। यह मशीन कौन कौन सी सब्जी फसलों में इस्तेमाल की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, इस मशीन की बनावट कैसी है, पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ। देखिए भाई, सबसे पहले ये फ्रेम है इस मशीन का, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं फ्रेम। इस फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो आपको मैं आपकी सबसे पहले बता देता हूँ। तो ये देखिए साथियों, इस मशीन की जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, 8 फुट। इस मशीन की लंबाई ये देख लीजिए 8 फुट है। फिर उस साइड से लेकर इस साइड देख लीजिए आप, 8 फुट लंबी ये मशीन है, ठीक है। और इसी के साथ साथियों, इस मशीन की चौड़ाई ये देख लीजिए, चौड़ाई आप यहाँ से लेंगे साथियों तो 21 इंच आप देख पा रहे हैं साथियों, 21 इंच जो है इस मशीन की चौड़ाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट करता है मशीन का जो फ्रेम है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है मशीन की बनावट के लिए। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों ने मेरे पास कमेंट किया कि मशीन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, ये जो है मशीन की लंबाई चौड़ाई थी। इसके बाद बात आती है फ्रेम की। ये जो फ्रेम है, दूसरी अहम भूमिका इन फ्रेमों की है, इन फ्रेमों की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कैसे फ्रेम है। ये देखिए, इस फ्रेम की ऊपर से जो है चौड़ाई कितनी है और नीचे से, ऊपर से चौड़ाई कितनी है और नीचे से चौड़ाई कितनी है वो आपको आगे बता देता हूँ। ये देखिए, ऊपर से इस फ्रेम की जो है चौड़ाई है 8.5 इंच। ये देखिए, 8.5 इंच, 8.5 इंच। और नीचे से जो है ये देख लीजिए, 14.5 इंच। ये देख लीजिए, 14.5 इंच है। ये देखिए, ये देखिए 14.5 इंच है साथियों। ये इस फ्रेम की जो है चौड़ाई है ऊपर से नीचे से। ये जो फ्रेम है साथियों, हल्के से बैंड है, हल्के से ये बैंड है। इस साइड से देखिए, मैं आपको फित्ता भी लगाकर दिखाता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, करीबन बीच में से 1 इंच का जो है गैप है इनमें, ऊपर से और नीचे से ये बिल्कुल सेम है और बीच में से 1 इंच का गैप है। सभी में ऐसा पाएगा साथियों, सभी में ये देख लीजिए बिल्कुल सेम पाएंगे, सभी एक शेप के, एक डिज़ाइन के बनाए गए हैं। ये देख लीजिए आप, और इस साइड वाले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बीच में इनमें जो है आपको 1 इंच का गैप मिलेगा, यहाँ से इस हिस्से से आपको 1 इंच का गैप मिलेगा। ये सेम है ऊपर से नीचे। ये जो तीनों फ्रेम है, ये तीनों फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम, ये तीनों सेम है, बिल्कुल सेम है साथियों। अब बात करूं इन फ्रेम की बनावट, तो साथियों इसकी जो बनावट है वो एक समान बनाई जाती है और मोटी चादर की, मोटी चादर होनी चाहिए करीबन करीबन। ये जो चादर है काफ़ी मोटी है और ये देखिए नीचे से इसकी बनावट जो है, ये देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो टैन लगी हुई है इसकी बनावट देखिए। ये जो ये वाली जो टैन है साथियों, ये वाली टैन, ये जो टैन है ये कल्टीवेटर में, कल्टीवेटर में इस्तेमाल की जाती है, वो वाली टैन है। और यहाँ पर देखिए इनमें सुराख किया गया, इन सुराख की दूरी, ये सुराख भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सुराख, ये वाले सुराख और ये वाले सुराख बिल्कुल सेम है, 0.5 इंच पे इस सुराख से लेकर इस सुराख की जो बीच की दूरी है, पूरी टीन में यहाँ से लेकर यहाँ लग सुराख है और इस हिस्से में यहाँ से लेकर यहाँ लग सुराख है। तो ये सुराख बहुत ही इम्पोर्टेंट है
इस साइड के सुराख और उस साइड के सुराख दोनों सेम मिलेंगे साथियों, और सुराख से सुराख की दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एंगल की और इस एंगल की सुराख की जो दूरियां हैं बिल्कुल सेम मिलेगी आपको, थोड़ी सी भी सूत भर का भी फर्क नहीं मिलेगा। ये जो इस ये सुराख से इस सुराख की जो दूरी है आधा इंच की दूरी है साथियों, आधा इंच की दूरी है बीच में से, ये देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ लग की बीच से बीच का हिस्सा हम करते तो आधा इंच का फर्क है साथियों, आधा इंच। ये सभी आधे आधे इंच पर आपको मिलेंगे, ये आधे आधे इंच पर मिलेंगे, ठीक है। और अब बात करूँ एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की कितनी दूरी है, इस फ्रेम से लेकर इस फ्रेम लग कितनी दूरी है, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ से हम ले लेते हैं साथियों, ये देखिए ये हिस्सा है इससे लेकर और ये देखिए चालीस इंच, जी हाँ साथियों 40 इंच, ये देख लीजिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड से लेकर इस साइड की। अगर हम बात करें इस साइड से, ये देखिए इस साइड से मैं आप कैमरामैन को कहूँगा इस साइड आए, इस साइड से और इस साइड की जो दूरी है वो है 33.5 आप मानिए, और यहाँ से पूरा हिस्सा कवर करें, ये पूरा हिस्सा कवर करें तो 40 हो जाती है, ये देखिए, और यहाँ से ये जो है 33.5 हो जाती है। उतनी ही दूरी उस साइड मिलेगी साथियों आपको, इतनी ही दूरी इस साइड भी मिलेगी, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए 33.5 इंच, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक एक इंच नेप कर इस मशीन को बनाया गया है साथियों। और कौन कौन सी सब्जी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेम से फ्रेम की दूरी, फ्रेम की ये कोण है और इस कोण से पर साढ़े पूरा 29 इंच ही मान लीजिए साथियों, पूरा 29 इंच है, ये देख लीजिए। और सेम ये मिलेगा इस हिस्से से, इस हिस्से की जो दूरी है ये देख लीजिए, इस कोण से इस कोण तक की दूरी है पूरी 29 है, ठीक है। ये तो होगी इस मशीन की बनावट, मैंने आपको फ्रेम की बनावट बता दी है, जो इम्पोर्टेंट है ये एंगल और ये जो है ये बनावट बनाई गई है इनकी, जो मैंने आपको बनावट बता दी है एंगल की बनावट मैंने आपको बता दी, जो ये एंगल लगी हुई है ये कल्टीवेटर में यूज करने वाली एंगल है, नीचे जो है अलग से ये बनाया गया है, ये आप देख लीजिए ये एक एंगल है, ये देख लीजिए इस साइड से देख लीजिए और इस साइड से देख इसकी बनावट देख लीजिए आप, ठीक है। अब बात करें कौन कौन सी सब्जी फसलों में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो साथियों इस मशीन का इस्तेमाल सभी प्रकार की सब्जी फसलों के बुआरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात करूँ मिर्च, जी हाँ साथियों मिर्च की खेती जो किसान करते हैं वो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूल गोभी, टमाटर, बताऊ, प्याज, आजकल प्याज भी जो है मेड विधि द्वारा बोई जाने लगी है, तो मेड विधि द्वारा अगर प्याज बोते तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो खत्ते हैं, ये जो दो खत्ते लेकर चलती है, ये देख लीजिए एक खत्ता इस साइड से जाएगा, ये दो खत्ते लेकर जाती है और दो खत्ते वापस लाती है, एक बार में दो खत्ते बनाएगी और दो खत्ते ये लेकर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मशीन इस्तेमाल की जाती है, जैसे फूल गोभी के मेड निकालने के लिए, खत्ते निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी मिर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तीसरी बताऊ जिसे हम बैंगन बोलते हैं उस फसल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्याज विधि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टमाटर की खेती करने के लिए। टमाटर की खेती के लिए एक बात बता देता हूँ मैं साथियों, जो टमाटर के मेड होते हैं जो हम बेड बोलते हैं वे चौड़े आकार के होते हैं, इसके लिए जो है इनको ये जो फड़वे हैं इन फड़वों को सरका दिया जाता है, सुराख गिन के इन फड़वों को सरका दिया जाता है, दोनों को ये बीच वाला बिल्कुल फिक्स रहता है साथियों, बीच वाला बिल्कुल फिक्स रहता है, केवल ये वाला और ये वाला इन दोनों को टहलाया जाता है, इन दोनों को टहलाकर आप जो है खत्तों को बीड़ा कर सकते हैं, खत्तों को चौड़ा कर सकते हैं, चाहिए आप 4 इंच चौड़े बेड बना लीजिए इस मशीन से, बिल्कुल करेक्ट बनेंगे, किसी भी खत्ते पर थोड़े से भी ऊंचाई नहीं होगी और निचाई नहीं होगी, बिल्कुल एक श्यार बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट बनेंगे।
तो इसके मैं खत्ते भी दिखा देता हूँ कि खत्ते किस साइज के बनते हैं। तो साथ ही ये मेरा खेत है और इस खेत में जो है उस मशीन द्वारा खत्ते काटे गए हैं। तो खत्ते की ऊपर से जो है मैं मोटाई बता देता हूँ, ये देखिए ऊपर से जो मोटाई है 8 इंच, जैसा कि मैं कहता हूँ 8 इंच, ये देख लीजिए 8 इंच ऊपर से मोटाई है, ठीक है। और नीचे से जो मोटाई है वो मोटाई है करीबन करीबन 1.5 फुट, 1.5 फुट से ज़्यादा। ये साथियों ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 1.5 फुट के करीब है। और एक खत्ते से दूसरे खत्ते की, इस खत्ते से लेकर इस खत्ते की जो दूरी है वो ऊपर से जो दूरी है करीबन 2.25 फुट के करीब दूरी है साथियों, 2.25 फुट के करीब, ठीक है। और नीचे से जो दूरी है वो आप देखिए, नीचे से जो दूरी है वो ये देख लीजिए 8 इंच, ये देख लीजिए 8 इंच, ये आप देख पा रहे हैं। तो जो खत्ते बनाए गए हैं आप देखिए खत्ते की शेप देखिए कैसी है साथियों, एक त्रिकोणा टाइप में शेप है खत्ते की। जो भी सब्जी फसलों के खत्ते होते हैं वे त्रिकोणा टाइप में होते हैं साथियों, और बिल्कुल एक चार खत्ते मिलेंगे, ये देखिए बिल्कुल एक चार खत्ते मिलेंगे, एक लेवल के खत्ते मिलेंगे साथियों आपको, एक लेवल के खत्ते। कोई भी खत्ता आपको ऊंचा नीचा नज़र नहीं आएगा साथियों, कोई भी खत्ता। तो ये जो खत्ते बनाए गए हैं उस मशीन द्वारा बनाए गए हैं जिसकी वीडियो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई, वापस मशीन की ओर। तो साथियों फिर से हम मशीन की तरफ आ गए हैं। तो आप बताता हूँ एक एकड़ में एक किले में जिसमें 8 कनाल होती है उसमें इस मशीन द्वारा कितने खत्ते काटे जाते हैं। तो साथियों इस मशीन द्वारा 70 खत्ते काटे जाते हैं साथियों, जी हाँ साथियों, एक एकड़ में इस मशीन द्वारा 70 खत्ते काटे जाते हैं। और इस मशीन को अगर आप लेते हो, जो भी किसान भाई सब्जी की खेती करता है इस मशीन को लेता है, तो आप जो है बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो साथियों। और जो भाई ड्राइवर है और ज़मीन की बुआई करता है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, जहाँ पर सब्जी का एरिया है वो किसान भाई जो है इस मशीन को लेकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है साथियों। ज़्यादा महंगी नहीं है ये मशीन, मैं कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ोन मिलाकर आप जो है पूछ सकते हैं इस मशीन के बारे में, इसका क्या प्राइस है, कितने की आती है, कहाँ बनती है, पूरी डिटेल A to Z आपको जानकारी दूंगा। ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है साथियों, बिल्कुल ही लो प्राइस की ये मशीन है और बहुत ही कारीगर मशीन है सब्जी फसलों के किसानों के लिए, जहाँ पर सब्जी फसलें की जाती है। तो दोस्तों इस मशीन की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, A to Z जानकारी दे दी, इसकी बनावट के बारे में मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। कोई जो मान लीजिए मिस्त्री है वो इस मशीन को बना सकता है या फिर लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई, आपको ये मशीन उपलब्ध कराई जाएगी पूरे हरियाणा में, आप हरियाणा में कहीं पर भी हो आपको ये मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय जवान जय किसान।